हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं पूरा घर का काम कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। आज मैंने शैम्पू में एलोवेरा मिलाकर शैम्पू किया है, देखिए कैसा है। और बाहर के लोग भी बहुत शोरगुल कर रहे हैं, जो कि आप तो सुन ही पा रहे होंगे। और मेरा अब सारा बेड लगाना हो गया है, क्योंकि आज पूरा चादर वगैरह धोना था मुझे, छुट्टी की दिन थी, तो आज मैं सारा काम ये सब कर चुकी हूँ। और बाकी के सारे काम मैं बाद में करूँगी, पहले थोड़ा खाना खा लेती हूँ। क्योंकि चार्ज भी देना भूल गई थी, और चार्ज ना होने के कारण मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी इस फोन से मेरा यहाँ। फ्रेंड्स, मैंने तो कितने बार ऐसे किया कि चार्ज में दे देती हूँ और ऑन ही नहीं करती हूँ, जिसके कारण मेरा बैटरी चार्ज नहीं होता मोबाइल का, और मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे चार्ज क्यों नहीं हुआ, जब देख रही हूँ तो मैंने तो ऑन ही नहीं किया है। तो ये गलती आप ना करें, जब भी चार्ज पे लगा एक बार देख ले, चेक कर ले कि हाँ स्विच ऑन है या नहीं। फ्रेंड्स, अब मैं छत पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे पौधों को ला के रखी हूँ, उनसे रिपोर्टिंग करना है। और मैं छत पे आ चुकी हूँ और अपने पौधों को रिपोर्ट कर रही हूँ। देखिए, ये मेरा जारबेरा का पौधा है जिसे मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत दिनों से ला के रखा हुआ था और ये डब्बा पड़ा हुआ था, तो इन्होंने बोला कि इसको ही काट करके इसमें भी मिट्टी डाल के लगा देते हैं, और भी पौधों को लगाने के लिए काम आएंगे। बड़े गमले भी मैंने रखे हुए हैं बहुत सारे। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। अनिकेत के पापा भी मेरा हेल्प कर रहे हैं, वो मिट्टी वगैरह ला के दे रहे थे मुझे, ऐसे ऐसे डालो, बता भी रहे थे कि इधर ज़्यादा है इधर कम है करके, और मैं करती जा रही थी सारे पौधों में। अमरूद का पौधा रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ, अब मैं फिर से मिट्टी तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें सारे खाद वगैरह मिला दिए हैं, गोबर की खाद है जिसमें, और मैं जो सब्जियों वाला खाद बनाती हूँ वो भी इसमें मैंने मिक्स किया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पर्पल कलर की एक मिर्ची लगा रही हूँ, जो कि मैं मार्केट से मंगवाई थी, ये कम तीखी है, ज़्यादा नहीं है, सलाद में यूज़ करने के लिए मैंने ये पौधा लगाया है, जो देखिए पूरा भर के आया हुआ है, पूरा पौधे में मिर्ची लगा हुआ है पर्पल कलर का। और मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ अच्छी तरह से, फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। अब मैं स्प्रे बोतल के द्वारा पौधों में पानी दे रही हूँ, क्योंकि मग से पानी देना भी ठीक नहीं रहेगा पौधों में। और ये आज फ्रेंड मैं ये दिखाना भूल गई, मतलब वीडियो नहीं बना पाई आज इसका, पहले ही मैं ये कर चुकी थी। और ये अमरूद का पेड़ है गुआभा का, इसमें भी मैं वाटरिंग कर रही हूँ, और ये सारी मिट्टी बचे हैं उसे मैं उठा के रख दूँगी, ताकि फिर दूसरे पौधों में डालना है फिर मुझे। आज तो मुझे अब इतना ही समय मिला था, फिर जब समय मिलेगा तो फिर मैं इस पौधों में मिट्टी डालूंगी और चेंज करूंगी सभी गमलों को। आज ये अमरूद का, रोज़ का, और जरबेरा, मिर्ची, ये चार पौधों का मैंने किया है, रिपोर्टिंग की है मैंने, और बाकी पौधों का बाद में करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है। देख सकते हैं ये अमरूद भी आ रहा है इस पौधे में, दो अमरूद आ चुके हैं, इसे बड़े गमले की जरूरत थी।
गाइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। ये अग्निजवा का पौधा है, देखिए कितने अच्छे फूल आए हुए हैं इस पे। कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और भी सभी पौधों पे ऐसे ही फूल हमारे यहाँ खिलते रहते हैं। कितनी कलियाँ आई हुई हैं देखिए आप, हर एक से दो दिन पे ये खिलती रहती हैं। आज तो दो दो फूल खिले हैं, काफी सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए बाय गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।